Welcome to the Shivani Public School, a landmark of academic excellence, modern technology, and epitome of hard work and dedication. Visit and explore more about Shivani Public School. मेरठ के अनुभव ने किया देश का नाम रोशन. सिंगापुर में एशियन आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में जीता सोने का तमगा. जी हाँ, सिंगापुर आइस स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एशियन आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में मेरठ के आइस स्केटर अनुभव गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. पहले तो ये खबर सुनकर मेरठ वासियों को गर्व का एहसास हुआ, लेकिन जब वो शहर लौटे तो सभी ने उनका स्वागत किया. जी हाँ, अटल सेवा केंद्र में अनुभव गुप्ता को सम्मानित किया गया. अनुभव ने बताया कि प्रतियोगिता सिंगापुर में आयोजित थी, जिसमें करीब 30 देशों की टीमों ने भाग लिया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. अनुभव ने बताया कि उनका सपना देश का नाम रोशन करने का है. वहीं उन्होंने ये दुख भी जाहिर किया कि देश में खेलों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता. ये सिंगापुर में हुई थी एशियन गेम्स चैंपियनशिप, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल मेरा आया है. इसके लिए बहुत मेहनत करी. हमें यहाँ पे आइस स्केटिंग करने के लिए फैसिलिटी नहीं मिलती, इंडिया में रिंक नहीं आइस स्केटिंग करने के लिए. हम लोग बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं, और मैं रोलर स्केटिंग करता हूँ, उसमें ज़्यादा मेहनत करके फिर उसको आइस स्केटिंग में उसकी स्पीड कन्वर्ट करता हूँ. कर्नाटका में मैसूर में श्रीकांत राव मेरे कोच हैं, वो मुझे सिखाते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं. आइस स्केटिंग के भी मेरे वही कोच हैं. बस यही देना चाहता हूँ, सब अच्छे से करें, मेहनत करें तो काफ़ी आगे तक जा सकते. मम्मी पापा ने बचपन से ही पूरा सपोर्ट किया है, कभी मना नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया है. अनुभव के परिजन भी कहते हैं कि बचपन से ही अनुभव में स्केटिंग के प्रति लगाव था, और यही वजह है कि आज उन्होंने देश का नाम रोशन किया है. हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का क्या, हमारे लिए तो भविष्य है. बेटा बस आगे बढ़े, ओलंपिक में जाए, ओलंपिक में गोल्ड निकाल के लाए. कुल मिलाकर अनुभव की इस उपलब्धि पर हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है, और अगले लक्ष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहा है. जय भीम टीवी की तरफ से भी अनुभव गुप्ता को हार्दिक शुभकामनाएं. जय भीम टीवी के लिए मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट.